ट्रांसपोर्ट नगर पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त एवं गोरखपुर के प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्रा के प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पर पहुंचते ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। इस मौके पर पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, तौकीर आलम, डॉक्टर राजेश यादव, संजय चौबे, प्रवीण पासवान, अनिल सोनकर, मोनिका पांडे, निर्मला गुप्ता, उषा श्रीवास्तव, महेंद्रनाथ मिश्रा, दिलीप निषाद, प्रणव उपाध्याय, बादल चतुर्वेदी, अभिजीत पाठक, कलंजय त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी, प्रभात पांडे, चंद्रेश कुमार सिंह, सुखराम यादव, सत्यप्रकाश मिश्रा, अमित कन्नौजिया, तस्लीम अंसारी, प्रेम नारायण श्रीवास्तव मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश सचिव व गोरखपुर के प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने कहा, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद निर्मला जिंदाबाद, जिंदाबाद निर्मला पासवान, त्रिभुवन मिश्रा जिंदाबाद। गोरखपुर आने का मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त, कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस की जमीन को गांव तक, गरीबों के झोपड़ियों तक, दलितों के बस्तियों तक पहुंचाना ही मात्र हमारा उद्देश्य है। गोरखपुर मेरे लिए नया नहीं है, गोरखपुर से ही मैंने विद्यार्थी राजनीति किया है विश्वविद्यालय में। गोरखपुर में भी तमाम समस्याओं को लेकर मैंने संघर्ष किया है, समय दिया है, इसलिए गोरखपुर मेरे लिए न तो नया है और न तो ये हमारे साथी हमारे लिए नए हैं। मैं ये स्वागत कराने नहीं बल्कि कांग्रेस की ताकत को, ये जो गोरखपुर है ये सांप्रदायिक ताकतों और कुछ माफियाओं का इस पर जो वर्चस्व है उसको तोड़ करके कांग्रेस की ताकत को, गरीबों की ताकत को, मजलूमों, अकलियत के लोगों और समाज के सभी वर्गों की ताकत को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने मुझे भेजा है और उसी ने मैं आया हूँ। देवरिया का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं का चुनाव हो, देश में बिहार का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और हौसले के साथ अपनी रणनीति बनाकर गांव-गांव तक लोगों को पहुंचने के लिए लगाया है और यूपी के चुनाव से लेकर के बिहार तक के चुनाव को जीतना हमारा लक्ष्य है और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे।